Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Ji class 7 maths mein aaj hum chapter number 5 exponent ke question number 10, 11 aur 12 ko solve karenge, which is given on page number 69. Turn to page 69. You can see on page number 69 there is question number 10, 11 and 12. Jo question number 10 aur 12 hai ye copies pe note karna hai aapne aur 11 ka blanks ka question hai ye book par hi solve hoga. हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. क्लास उसने हमें चार पार्ट्स दिए हैं और इन चारों पार्ट्स में उसने हमें एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन दिए हैं और हमने इस एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करना है नेगेटिव साइन में. राइट, हमने पॉजिटिव पार को पॉजिटिव एक्सपोनेंट को नेगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है. स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज 3/4 होल स्क्वायर. इसको इस तरह भी पढ़ा जाता है और 3/4 रेस टू पार्ट 2 भी पढ़ते हैं इसको. ओके, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखते हैं, इक्वल का साइन लगाएं, क्वेश्चन को रिपीट करें. ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हमने किसी भी पार को, चाहे वो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है या पॉजिटिव है नेगेटिव में जाना हो, तो जो भी नंबर या फ्रैक्शन होती है उसका क्या ले लेते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल लेते हैं. सो वेरी सिंपल, आप 3/4 का रेसिप्रोकल ले लें 4/3, ऑटोमेटिकली आपकी, जैसे इसका रेसिप्रोकल हुआ है पार का भी रेसिप्रोकेट हो जाता है, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में. सो व्हाट वी गेट, 4/3 रेस टू पार माइनस 2, दैट इज़ द आंसर. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 रेस टू पार माइनस 3 होल स्क्वायर. अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद इक्वल का साइन लगाएं, क्वेश्चन को रिपीट करें, अगेन इक्वल का साइन, बेस को लिखा हमने 2. अब आपके पास ये जो नज़र आ रहा होगा आपको कि ये मल्टी पावर्स का कॉन्सेप्ट है. मल्टी पावर्स में हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो जब हमने पावर्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास क्वेश्चन था 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 पावर माइनस 3 होल स्क्वायर था. हमने जब इसकी मल्टी पावर्स को ओपन किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इट गिव्स अस 2 रेस टू पार 3 टू द 6 माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन माइनस. तो ऑटोमेटिकली हमें इसमें कोई रिवर्सल नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल हमारे पास आंसर में माइनस आ गया है, इसलिए यही इसका आंसर होगा, इसका कोई रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं होगी. और आप देख सकते हैं इस पर कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, मल्टीपावर्स का. एक्स पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. राइट, एक्स एम होल पावर एन. सो आंसर क्या होता है हमारे पास, एक्स एम इंटू एन, एक्स पावर एम इंटू एन. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब. सबसे पहले आप सॉल्यूशन में इक्वल का साइन लगाते हैं, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, अगेन इक्वल का साइन. अब आप देखें तो बेसिस सेम है हमारे पास. राइट, बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड. प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, मल्टीप्लाई का साइन है वैसे भी, तो बेस सेम थी, बेस को वन टाइम लिखा, मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोडक्ट लॉ लगेगा. हमने पावर्स को ऐड किया, 2 प्लस 3, व्हाट वी हैव, 5 रेस टू पार 5. लेकिन हमारी पार क्या है यहाँ पर बच्चों, पॉजिटिव, हमने इसको क्या करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट. सो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/5 रेस टू पार माइनस 5, दैट इज़ द आंसर. लास्ट पार्ट है हमारे पास 2/5 रेस टू पार माइनस 1 होल स्क्वायर होल पार माइनस 2. अब जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है, तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया, पार्ट नंबर 2 में किया, वहाँ भी मल्टी पावर्स का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे भी जो रूल अप्लाई हो रहा है मल्टी पावर्स का. सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को रिपीट करें. जब हमने रिपीट किया तो बेस को हमने वन टाइम लिखा और पावर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जैसे हमने यहाँ पर लॉ अप्लाई किया था, तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 को लिखें, पावर को लिखा, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन, सेकेंड पावर जो उसकी होल पावर है उसको लिखें. पावर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो गया, प्लस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया और 1 टू द 2, तो हमारी तो पार क्या होगी, पॉजिटिव होगी. हमें आंसर किस में लेकर आना है, नेगेटिव में. तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बेस है उसका, जो भी नंबर है या फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल, तो हमारे पास माइनस 2/5 का रेसिप्रोकल होगा, साइड पे साइन आएगा माइनस का, और 2/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/2 रेस टू पार माइनस 2. 2 किस में चला जाएगा, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया, माइनस 2 में चला जाएगा. सो आपने सीखा कि हम किस तरह नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं रेसिप्रोकल लेकर. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का. ब्लैंक्स में हमारे पास 3 ब्लैंक्स दी हुई हैं, लेकिन आप देखें तो ब्लैंक्स में हमारे पास उसने ब्लैंक्स को सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है. जो पावर्स है ना वो ब्लैंक्स की फॉर्म में है, ठीक है.
5 raised to power 10 divided by 5 raised to power 8 is equals to 1 over 5 raised to power dash. इस डैश को हमने फिल करना है, राइट? इसी तरह नेक्स्ट भी है, उसने हमें सॉल्व करके दे दिया है, लेकिन सिर्फ आंसर भी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास सिर्फ पावर्स ब्लैंक्स में है, तो हम फाइंड आउट करते हैं इनकी पावर्स. स्टूडेंट, ये काम आपने प्रैक्टिस कॉपी पे नोट करना है, इसको आप जो है वो बुक्स पे सिर्फ इसकी पावर्स को सॉल्व करेंगे, राइट? ये सारा प्रैक्टिस कॉपी पे होने वाला काम है, रफ कॉपी में. जी, फर्स्ट ब्लैंक है हमारे पास 5 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 8 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 5 रेज टू पावर डैश. हमने क्वेश्चन को लिखा, इस साइड को सॉल्व करके हम इस फॉर्म में लेकर आते हैं, राइट? अब इस साइड को सॉल्व किया जब हमने, तो बेसिस सेम थी, डिवीजन का साइन था, कोशेंट लॉ लगाया. जब हमने कोशेंट लॉ लगाया तो 5 के ऊपर पार क्या आ गई, 10 माइनस 8. 5 की पार क्या रह गई हमारे पास, 10 में से 8 गई तो 2. लेकिन हमारे पास जो इक्वल के उस साइड पर आंसर है उसमें 1 ओवर 5 है, ये 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 का रेसिप्रोकल लेंगे. जब हमने 5 का रेसिप्रोकल लिया तो वो आ गया 1 ओवर 5, लेकिन पार क्या हो गई, जो हमारे पास आंसर में आई थी 2, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी. अभी हमने क्वेश्चन भी किया है, तो रेसिप्रोकल की वजह से माइनस 2, इसका मतलब हमारी आंसर में जो पार आनी है वो क्या है, माइनस 2. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्लैंक है हमारे पास माइनस 2 बाई 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 बाई 3 रेज टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 पार में डैश. अब हमने ये वाली सिचुएशन बनानी है, तो पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं. हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बेसिस सेम थी, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोडक्ट लॉ लगता है, आपको मालूम है बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, प्रोडक्ट लॉ. और हमने माइनस 2 बाई 3 बेस को वन टाइम लिखा, 4 प्लस जो नेक्स्ट पार है उसको ब्रैकेट में लिख दें क्योंकि ये माइनस में है. जब हमने इसको सॉल्व किया, माइनस 2 बाई 3 4 प्लस माइनस माइनस 3 आ गया, 4 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास क्या रह गया, 1 रह गया पार में. लेकिन हमारे पास जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो है माइनस 2 बाई 3, जो इक्वल के दूसरे साइड पे आंसर है वो है माइनस 3 बाई 2. इसका मतलब हमें इसका क्या करना होगा, रेसिप्रोकल लेना होगा. हमने जब इसका रेसिप्रोकल लिया वो आ गया माइनस 3 बाई 2. ऑटोमेटिकली जो हमारी पार थी वो नेगेटिव होगी क्योंकि देखें पहले पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल लिया इसको इस सिचुएशन में लाने के लिए, इसका रेसिप्रोकल लिया तो हमारी पार माइनस हो गई, साइन चेंज हो गया. सो व्हाट वी गेट, पार इज माइनस 1, तो आप ब्लैंक में क्या लिखोगे, माइनस 1. नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लैंक है वो है माइनस 5 रेज टू पार 4 डिवाइडेड बाय माइनस 5 रेज टू पार 2 इक्वल्स टू 5 रेज टू पार माइनस में ब्लैंक में. हम देखते हैं क्या आता है, सॉल्व करते हैं इसको. बेसिस हमारी सेम है, स्टूडेंट सेंटर में डिवीजन का साइन है, तो कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे. कौन सा लॉ लगेगा इसमें, कोशेंट लॉ. कोशेंट लॉ में क्या होता है कि पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बेस को वन टाइम लिखें, 4 में से 2 माइनस करें तो सिंपल हमारे पास 2 रह जाता है, राइट? तो जब भी किसी नंबर पर, किसी बेस पर इवन पावर आती है तो उसका माइनस का साइन रिमूव हो जाता है. अब सिचुएशन हमारी कुछ हो गई है सेम, ये देख सकते हैं आप, इक्वल के दूसरी साइड पे भी 5 है और इस साइड पे भी 5 आ गया. सो व्हाट वी हैव इज 2, तो हमारे आंसर में क्या आएगा स्टूडेंट, पार के आंसर में क्या आएगा, 2. स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर इनको फिल कर लें. फर्स्ट ब्लैंक को जब हमने सॉल्व किया था उसका आंसर आया था माइनस 2, सेकेंड का माइनस 1, थर्ड ब्लैंक का आया है अभी हमने रिसेंटली सॉल्व किया 2. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि कॉपी पे नोट करना है आपने, राइट? ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है. स्टेटमेंट में वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट, इफ अ ब्लॉक वेज 5 स्क्वायर केजी, अगर एक ब्लॉक का वजन 5 स्क्वायर केजी हो, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ, कितना वेट होगा ऑफ ए वॉल बिल्ट विद, एक दीवार का जो बनाई जाती है 5 रेज टू पावर 4 सच ब्लॉक्स. कि वो ये पूछ रहा है आपसे कि अगर वो इस तरह के, हमारे पास ब्लॉक्स कितने थे, ब्लॉक का वेट कितना था, 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5 25 केजी, 25 केजी वेट है. तो हम अगर इस तरह के इतने ब्लॉक्स यूज़ करें 5 रेज टू पावर 4, पहले हमारे पास कितना है 5 रेज टू पावर 2, अगर हम 5 रेज टू पावर 4 ब्लॉक्स यूज़ करें, केजी के ब्लॉक्स यूज़ करें, तो हमारी वॉल का वेट कितना होगा, इसको सॉल्व. जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप कॉपीज़ में क्वेश्चन को नोट करेंगे, डॉटेड फॉर्म में नोट नहीं करना, फुल फॉर्म में नोट करिएगा. सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप, जो पहली इन्फॉर्मेशन है, एक ब्लॉक का, आ ब्लॉक, एक ब्लॉक का वेट कितना था स्टूडेंट्स, 5 स्क्वायर केजी. तो हमने क्या किया, वेट ऑफ वन ब्लॉक इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. ये एक ब्लॉक का वेट है, तो हमारे पास इस तरह के कितने ब्लॉक्स और हैं जिससे हमने वॉल को बनाना है, हमारे पास कितने हैं जी, 5 रेज़ टू पावर 4 ब्लॉक्स हैं. तो वेट ऑफ 5 रेज टू पावर 4 ब्लॉक्स कितने होंगे जी, जितनी एक है,
एक का वेट जितना है उसको जितने ब्लॉक्स हमें दिए हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दें, एक चीज़ का जितना वेट है जितने टोटल ब्लॉक्स अब हमें दे दिए हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसको लिखा, स्टेट किया, एक का वेट कितना है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जितने ब्लॉक्स हमें दिए हुए हैं 5 रेज़ टू पावर 4। बेसिस सेम है, बेस को लिखें, पावर्स को ऐड कर दें। पावर्स जब ऐड हुई, क्योंकि देखें सेंटर में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, सो हमने 5 को 1 टाइम लिखा, 2 प्लस 4 गिव्स अस 5 रेज़ टू पावर 6। 5 रेज़ टू पावर 6 का मीनिंग होता है कि 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। डोंट फॉरगेट टू राइट केजी, क्योंकि वेट हमेशा किस में होता है, केजी में होता है। सो स्टूडेंट, उसने हमें एक ब्लॉक का वेट बताया हुआ था, उसके बाद उसने हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स बताए हुए थे, हमने एक ब्लॉक का जितना वेट था उसको टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास टोटल वेट आ गया। राइट, क्वेश्चन क्लियर है आपको? अब आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन नंबर 10 और 12 को आपने कॉपीज़ में नोट करना है, 11 बुक पर होने वाला है। राइट स्टूडेंट्स, नेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो वो भी हमसे ज़रूर शेयर करें। स्टे ब्लेस्ड स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।